हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, हम यूपी बीएड के ऑनलाइन 20 के फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको सरकारी रेट पर जाकर आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इसके बेसिक क्राइटेरिया में वो आपको जानकारी दे देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 12 फरवरी 2000। फ्रेंड्स, इस 2019 लिखा है जो कि ये गलत है, ठीक है। तो उससे आप परेशान नहीं हुई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। और ये हमारी इसकी जो फीस दे रखी है फ्रेंड्स, आप देखेंगे जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1500 दे रखी है, और एसटी और एसटी वालों के लिए 750 है, ठीक है। आपकी इसमें लेट फीस भी, अगर आप मान लीजिए किसी वजह से लेट हो जाते हैं तो वो आपकी जनरल फीस के लिए 2000 और एस सी एस टी के लिए 1000 रुपए दे रखी है, ठीक है। इसमें फीस पेमेंट बढ़ा दिया है। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन आपकी है 6 मार्च 2020, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कितना अंतर दे रहा है, तो इसलिए गलत है। लेट फीस का जो डेट है आपकी 11/3, आप अगर लाइक लेट फीस करते हैं तो वो उसकी दे रखी है 11, तो उसमें आप 5 दिन को उन्होंने ऐड कर रखा है, तो उसमें ही आपका आप इतनी लेट फीस चार्ज भी ले लेगा वो, ठीक है। तो इसलिए आपको अब जल्दी से भर लीजिएगा। एग्जाम डेट दे रखी है आपकी 8/4/2020, और उसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 10 से 15 मई के बीच में, ठीक है। तो जून उसका कंसल्टिंग बिगिन स्टार्ट होगी, यानी कंसल्टेशन इसकी स्टार्ट होगी। और इसकी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, आप पेमेंट किसी भी माध्यम से करते हैं, वो आपको ई चालान या फिर ऑनलाइन बैंकिंग किसी भी माध्यम से किसी भी बैंक से आके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी देखते हैं, जैसे आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, ठीक है, कोई भी बीकॉम या एमकॉम एमए बीए जो भी है, उनके 50% होने चाहिए। और इसमें मिनिमम एज दे रखी है 15 साल, और मैक्सिमम एज कोई इसमें दे नहीं रखी है। तो आप कितने भी साल के हो तो वो भर सकते हैं। और फिर इंजीनियरिंग कैंडिडेट है वो 55% होना चाहिए, ठीक है। तो वो बी और बीटेक वाले बंदों के लिए 55% का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, ठीक। तो यहां से दे रखा है आपका। चलिए अब देखते हैं हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हमको जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैं कुछ आपके इसके महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है इसका नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो आपके हित की होती है, वो सब इसमें दे रखी है। कभी भी हमें कोई भी चीज फॉर्म भरने हैं तो उसकी पूरी सारी इंपॉर्टेंस की वैल्यू की हमें पता होनी चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप चाहें खुद पढ़ ले, मैं इसमें भी बताने की कोशिश करता हूं जितना हो सकेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन आपका जो आवेदन प्रारंभ तिथि देगी इसमें 12/2/2020, ठीक है। तो वहां पे गलत था, बुधवार से चालू है। ऑनलाइन अंतिम तिथि है जो आपकी 6 मार्च शुक्रवार है। फिर विलंब शुल्क आपको दे रखा है 11/3 का बुधवार को। प्रवेश परीक्षा संभावित तिथि है 8/4 इतना, और प्रवेश परीक्षा के परिणाम की संभावित तिथि इन्होंने दे रखी है 11/5। ऑनलाइन काउंसलिंग की दे रखी उन्होंने 1/6 सोमवार से, ठीक। फिर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि दे रखी है इन्होंने 1/7/2020। इस तरीके से आप सीधे प्रारंभ कर सकते हैं 10/7 से आपकी आपकी जो प्रारंभिक तिथि है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेट फीस के लिए दे रखा है इन्होंने आपके लिए, जो हमारे सामान्य और ओबीसी वाले हैं 1500, अगर लेट होते हो तो 2000 रुपए, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 750, और लेट फीस के लिए इनको दे रखा है 1000 रुपए, और अन्य राज्य से अभ्यर्थियों के लिए 1500, और बाकी उसके लिए 2000 अगर लेट फी करते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर हमारे आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने के आपने फी पेमेंट कर दी है, फी पेमेंट करने के 4 दिन के बाद तक आप उसकी त्रुटि संशोधित कर सकते हैं, यानी उसकी त्रुटि जो भी है उसको सही कर सकते हैं 4 दिन के बाद, ठीक है। अगर 4 दिन के बाद कोई भी आप त्रुटि होती है उसके बाद वो कोई सही नहीं होगी, ठीक है। आप उसको उसके काम करना है, आपको जो त्रुटि सही कराई है उसकी मूल प्रति यानी मूल प्रिंट आउट को आपको रख लेना है अपने पास, भविष्य की सुरक्षित रखे रख लेना है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना। आप उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं सही सही कर सकते हैं उसकी इसकी जानकारी दे रही है। देखिए यहाँ पे विषय वर्ग लिंक और भारांक, ये आप जो भर रहे हैं वो डिटेल को आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपके आवेदक अगर कोई भी वेटेज जो भारांक मतलब यहाँ पे वेटेज की कोई त्रुटि करता है वो उसका खुद ही उत्तरदायी हो, क्योंकि जो आप नंबर जो भर रहे हैं वो आपके हैं, तो उसको सही तरीके से भरना है।
तो उसके संबंध में आपकी कोई भी स्थिति मान्य है, उसके अगर आप बाद में दोबारा से एक बार फिर से सही करने का फिर दोबारा गलती करते हैं तो वो बाद में मान्य नहीं होता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान है, आवेदन पत्र और कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको अतिरिक्त अंकों में संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए विश्वविद्यालय भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अभ्यर्थी को आप जब महाविद्यालय जाएंगे, ठीक है, जब कॉलेज जाएंगे तब उस समय आपको लेके जाना है। ठीक है, आपके समय ही वो मूल प्रति को देख लेंगे। ठीक है, और इसमें ये आपको कह रहा है कि समस्त अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रिंट आउट की मूल प्रति को अपने पास पंजीकरण संख्या भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। ठीक है, आपने जो भी आपकी आप ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी पंजीकरण की जो भी आपके पास होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसको अपनी मूल प्रति को संभाल के रखें जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा। ठीक है, इसमें आपके फोटो के बारे में बता रहा है, फोटो किस तरीके से आपको आपकी जो ऑनलाइन जब भी पेपर भरेंगे तो आपकी नवीनतम फोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसमें दोनों हाथों की आपकी उंगलियों की निशान होनी चाहिए जो कि आपको अपलोड कर रहे हैं, उसमें उसमें सब कुछ डिटेल दे रखी है, तो ऐसा ना करने पर आपको अभ्यर्थी निरस्त हो जाए, तो आप सबको इस चीज का पता ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें आपको प्रत्येक आपको ऑनलाइन पत्र में आपको 11 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, ये कि 11 नंबर का मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें फ्रेंड्स आपके दो प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह होगी, यानी आपके अगर एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके एक तिहाई मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, आपका जो हमारे सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे और भाषा के हिंदी और अंग्रेजी में कोई भी इनमें से एक होगी तो उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। इनका 100 नंबर का नंबर होगा, इन दोनों को मिलाकर 200 होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का कुल समय दिया जाएगा इसमें आपको। ठीक है, इस तरीके से होगा, इसकी आपका एक तिहाई का नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरा आपका खंड आएगा, दूसरा इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 50 100 नंबर का सेम 200 नंबर के दोनों मिला के, इसमें कला विज्ञान वाणिज्य कृषि। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी आपका सेक्शन होगा उसके हिसाब से आपका आएगा। ठीक है, तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का सेम 3 घंटे का होगा, जिस तरीके से रहेगा उसमें आपका भी एक तिहाई नंबर की कटेंगे अगर गलत होने पर, तो इस तरीके से आप इस फॉरम को भर सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसकी नोटिफिकेशन की जानकारी और भी बहुत सी फ्रेंड्स देखिए, अब हम 12 अंक की बात करते हैं, उसमें आपको क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं इसमें सबके बारे में बता रहा हूँ, है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये आप जब भी 12 अंक का वेटेज सिस्टम में भरेंगे, यानी वेटेज में भरेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, उसमें आपने जो भी कोर्स किया होगा या अभी आपने जो भी खेल में या एनसीसी में एनएससी में आप जिस तरीके के आपके अंतर्गत में आते हैं, ठीक है, श्रेणियां दे रखी है ए से लेके एफ तक, ये देख रहे हैं आप श्रेणियां, उसके अंतर्गत किसी भी एक भी क्राइटेरिया में आते हैं आपको उसमें अंक जो आपके अंक होंगे, है ना, जो आपने मार्क्स प्राप्त होंगे उसमें उतने नंबर और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेटेज का लाभ उठा सकते हैं, तो ये वेटेज की श्रेणी में आपको भरनी होगी, तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये श्रेणी की बात करते हैं, तो आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आपने कोई अंतर या किसी हो सकता है आपकी विश्वविद्यालय के अंदर किसी और विश्वविद्यालय के अंतर्गत गए हो खेलने के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए उसमें पहला क्राइटेरिया दे रखा है पहले नंबर पे इंडिविजुअल, यानी आपने खुद ही पार्टिसिपेट किया है किसी टीम में नहीं, अकेले सिंगल हैंडली, तो उसमें प्रथम स्थान आने में 15 और द्वितीय स्थान आने में 10 और तृतीय स्थान आने में 5 नंबर का आपको प्राप्त होगा। आपके अगर किसी टीम में भाग लिया, जैसे क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, ठीक है, इन तरह के गेमों में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको मिलेंगे टीम के सब चैंपियन होने पर वही 15 नंबर, आपके सेकंड रनर पर 10 नंबर, आप उसके प्रतिभागी की टीम के सदस्य होने पर 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रतिभागी टीम के सदस्य होने पर 5 मिलेंगे इस तरीके से। फिर तीसरा आपके यानी किसी विश्वविद्यालय से आपके दूसरे विश्वविद्यालय यानी कि अपने कॉलेज की तरफ से आप मैच खेलने गए हो तो उसके लिए सर्व आपके जीता टीम को मिलेंगे 10 और एक टीम को मिलेंगे 10। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति नोट दिया हुआ है, जैसे कि आपने 1-2-3 यानी ये वाला और 1-2-3, ठीक है, ये 1-2-3 इनमें से किसी भी अगर आप एक में हो तभी उसी के नंबर को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने तीनों में पार्टिसिपेट किया है ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके सबके नंबर जोड़ दिया, तो सिर्फ इनमें से एक ही का नंबर को आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका उसमें बता रहे राष्ट्रीय राज्य आपके स्तरीय खेलकूद के प्रतियोगिता में भाग लेने पर आपको शासन द्वारा अगर आपने उसके शासन द्वारा अगर आपने राज्य स्तर पर लिया है राष्ट्रीय स्तर पर तो उसके नेशनल के द्वारा या राज्य के द्वारा
आपको मान्य प्रमाण पत्र होगा उसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप विश्वविद्यालय से दिया है तो उस कॉलेज के द्वारा अगर आपको प्रमाण पत्र मिला है वही मान्य हो, ठीक है। तो आपका दूसरा बी नंबर का है नेशनल कैंडिडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी, जो जिन्होंने इन सब में भाग लिया है उनके नंबर मिलेंगे, जो कि एनसीसी में आपके सी प्रमाण पत्र होने पर पुरुष अभ्यर्थी को 15 और G2 वाले प्रमाण पत्र होने पर महिला अभ्यर्थी को 15 मिलेंगे। और नेशनल क्रेडिट कोर पर बी प्रमाण पत्र होने पर पुरुष अभ्यर्थी को 10 और महिला अभ्यर्थी G1 होने पर महिला अभ्यर्थी को 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इनके 10 नंबर का आपको वेटेज का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो वेटेज क्राइटेरिया में बी नंबर आता है तो उसको इधर वहां पर बी करना है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या है राष्ट्रीय योजना एवं सेवा योजना के अंदर 240 घंटे की सेवा एवं दो विशेष सेवर में भाग लेने पर 15 नंबर, आपको 240 घंटे में एक विशेष सेवर और साथ में एक विशेष सेवर भाग लेने पर 10 नंबर, 240 घंटा करने पर आपको सेवा देने पर 5 नंबर, और स्काउट एवं गाइड एवं रोवर्स रेंजर्स के रहने पर राष्ट्रीय पुरस्कार अभ्यर्थी को 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दे रखा है स्काउट एवं गाइडर्स एवं रोवर्स एंड रेंजर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार 15, स्काउट एंड गाइडर का राज्यपाल द्वारा पुरस्कार अथवा रोवर्स के रेंजर्स निपुणत अभ्यर्थी को 10। तो इस तरीके से दे रखा है ये गाइडलाइंस, इसमें भी स्काउट एवं गाइडेंस ग्रुप एवं अथवा रेंजर्स तृतीय सोपन के प्रवीण प्रशिक्षण अभ्यर्थी को 5 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से इसमें से 1 से लेकर 8 क्राइटेरिया दे रखा है, उनमें से एक ही को आपका लाभ मिलेगा और उसके किसी भी आइटम के लिए आपको प्रोविजन प्रमाण पत्र नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोविजन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, इसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का आरक्षण, ठीक है। तो आपके स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित आरक्षण 15 है, ठीक है। ये सी कैटेगरी में, ये डी कैटेगरी में आपको दे रखा है। आपके मान लीजिए आपके पिताजी, अगर किसी अभ्यर्थी के पिताजी हैं सेवारत में, सक्रिय सेवारत में, या फिर से वरिष्ठ वो हो चुके हैं रिटायर सेवानिवृत्त प्रतिजाजी कर्मचारी पुत्र या पुत्री की संबंधित अंग जो लापता हो चुके हैं या उनके अंग अपंग है या मृत प्रतिजाजी के पुत्र पुत्रियों को संबंधियों को 15 नंबर का आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरह के पुलिस वालों के लिए है कि पीएस बीएस वालों एफ, ठीक है, पीएसएफ और एसएसबी के आईटीबी बीपी के और सीआरपीएफ के होमगार्ड के सेवानिवृत्त वालों को 15 मिलेंगे, ठीक है। ये कि अपंग या मृत होने पर प्रमाण पत्र लगाने पर उनको इस तरीके के मिलेंगे। तो ये सब के उन्हीं के द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ये है एफ वाला, अगर ऐसी महिलाएं जो विधवा तलाकशुदा परिवर्तन परित्याग हो तो उनको 15 नंबर का छूट मिलेगा। तो इन सब ये क्राइटेरिया है, तो उन सब के और देर का है, तो इन सब के आपको लाभ उठा सकते हैं अगर इनमें से आपका कोई क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स सी और एफ प्रमाण पत्रों के लिए इसमें बता रखा है, सी और एफ के लिए आपको एक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी एक वेल ऑथराइज्ड अधिकारी के द्वारा आपको ये प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। तो यदि अगर फ्रेंड्स आपके ए से लेकर एफ तक में कोई भी सब क्राइटेरिया फुलफिल है तो उसमें आपको अधिकतम जो अंक प्राप्त होंगे 25 ही, ठीक है, उससे ऊपर का आप अधिक लाभ नहीं दिया जाएगा, उसमें ये कह रहा है इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी जो मेन मैंने आपको वेटेज के लाभ बता दिए, तो इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम देखिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर गए आप सरकारी पे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का। आप अगर नए यूजर है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज लोडिंग लेगा, यहाँ पे देखिए मैंने ओके कर दिया है। यहाँ पे करने के बाद ये पूरी आपके फॉर्म फिलिंग की पूरी डिटेल दे रखी है, उसे पढ़िए, इसको एग्री करना पड़ेगा क्या क्या चीज आपको दे रखी है, तो उस हिसाब से देगा जो अलग मैंने वो बताया आपकी। देखिए यहाँ पे बता रहा 50 KB की साइज होनी चाहिए, सिग्नेचर है 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम साइज उन्होंने दे रखा है आप अपलोडिंग करते समय ये, और मार्कशीट वगैरह आपको देनी है।
हाई स्कूल में आई डेट डेट ऑफ बर्थ आपको प्रोवाइड करनी, फोटो आईडी प्रूफ, ये सब चीज आपको चाहिए। इनमें से आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एप्लीकेशन फीस, ये आपको दे रखी है, ये आपको मैंने जानकारी बता चुका हूँ। ठीक है, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज रखने के बाद तभी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, सबकी डिटेल रखिएगा, फिर इसका यहाँ से एग्री करना है, सबमिट करना है, यहाँ से आपको डिटेल भरनी है। आपने अपना नाम देना है, यहाँ पर पिताजी का नाम देना है, यहाँ पे माताजी का नाम देना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये कुछ इस तरीके से रहेगी, यहाँ पे कहिए अब 2020 पे इस पे क्लिक करना है, तो उस तरीके से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी इधर से आके आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस सेलेक्ट करने का, जैसे मैंने किया मार्च है तो आपको जो भी महीने आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करें, फिर डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पर आपको फिर से वैसे ही सेम प्रोसीजर इसमें करना है, आपने कब ज्वाइन किया था, इन सब की डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना, सबका कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे है ना, और इन सब तरीके से फुल फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वगैरह इम्पोर्टेंट डाल लेंगे। ये देखिए ईमेल आईडी ये आपको बना के दे देता है। ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे डालने का, मोबाइल नंबर डालने के बाद इस तरीके से जनरेट ओटीपी होगा। ओटीपी के बाद आपको क्या करेगा फ्रेंड्स, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, एक ईमेल आईडी आप जो डालेंगे उसमें वेरिफिकेशन आएगा लिंक। ठीक है, तो उस वेरिफिकेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहां से आपको वेबसाइट फिर से खुलेगी, फिर उसके बाद आपको फिर से जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस पे करेंगे है ना, इस तरीके से उस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे के लिए क्वालिफिकेशन